हम इस समय जम्मू के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानसर में मौजूद हैं और आज हम आपको मानसर की खूबसूरती बताएंगे, मानसर झील जो कि प्राकृतिक एक सौंदर्य है उसके बारे में बताएंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ जो टूरिस्ट यहाँ पर इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में उनका क्या कहना है। लेकिन आपको याद होगा हम कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे जब यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव मानसर रिजुविनेशन डेवलपमेंट प्लान का यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये ऑनलाइन इसका जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखा था। यहाँ पर एलजी जम्मू कश्मीर यूटी मनोज सिन्हा जी की बात करें तो ये दिग्गज जो चेहरे हैं इन्होंने ही इस प्लान को यहाँ पर रखा था, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और आने वाले दिनों में मानसर की एक नई तस्वीर जो है वो उभर कर सामने आएगी। इसी तरह की हम उम्मीद करते हैं 200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है तो उम्मीद है कि जिस तरह से मानसर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, मानसर की खूबसूरती को आने वाले दिनों में और 4 चांद लगेंगे, इस तरह की हम उम्मीद करते हैं। तो ये जो आप ये प्लेट देख रहे हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू, कॉम्प्रिहेंसिव मानसर रिजुविनेशन डेवलपमेंट प्लान फाउंडेशन स्टोन लेट ऑन 1/11/2020 को ये रखा गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, एलजी जम्मू कश्मीर यूटी मनोज सिन्हा जी। तो जब इसको प्लान को रखा गया तो कई लोगों का ये कहना था कि आखिर डेवलपमेंट कब होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसर की अगर बात करें तो यहाँ कई ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि मानसर में डेवलपमेंट रुकी हुई थी, नज़र आ रही थी, यानी वो विकास की रफ्तार थम चुकी थी। लेकिन जिस तरह से जब इस प्लान को रखा गया तो उम्मीद एक बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में मानसर यहाँ पर अपने एक सौंदर्य के लिए जाना जाएगा, यहाँ पर डेवलपमेंट एक बड़े स्तर पर देखी जाएगी। तो मैं सबसे पहले अब यहाँ पर इस डेक पर जाके मैं मानसर झील के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं बता दूं ये जो लकड़ी का आप डेक देख रहे हैं आने वाले दिनों में इन डेक्स को यहाँ से हटा दिया जाएगा क्योंकि लकड़ी के डेक हैं, इनकी लाइफ कोई ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अब वहाँ उस तरफ आप नज़र घुमा के देखेंगे तो प्लास्टिक का एक नया डेक तैयार किया जा रहा है। झील के आसपास किनारों पर ये नए डेक जो वो बनाए जा रहे हैं ताकि एक नया कंसेप्ट जो यहाँ पर लाया जाए और इसी कंसेप्ट के माध्यम से जो टूरिस्ट हैं वो मानसर झील का नज़ारा ले पाएँ। तो ये तस्वीरें हम आपको आज एक्सक्लूसिव मानसर इलाके से दिखा रहे हैं, आप भी मानसर झील का जो है वो नज़ारा देख सकते हैं और कोशिश करेंगे यहाँ पर कुछ जो टूरिस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे। तो मानसर झील अपने ही एक प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है, जम्मू खित्ते का ये सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर आप संडे को आइए, वीकेंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर टूरिस्ट का हुजूम होता है। हालांकि अभी वर्किंग डेज चल रहे हैं तो इतने ज़्यादा टूरिस्ट आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए थे वो मकसद था कि यहाँ पर जो रिंकू जी जो कि एक अपने कहते हैं कि गाने जो डोगरी में वो गाते हैं वो अपनी एक आवाज़ की एक बुलंदी पर पहुंच चुके हैं, उन्हीं से हम बात करने के लिए आए थे। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर आपको मानसर झील का नज़ारा भी दिखाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं ये मानसर देवता भी आप कहते हैं, देखिए झील में कितनी सारी मछलियाँ आप देख रहे हैं। तो ये हम एक नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पूरा का पूरा जो चारों तरफ आप नज़र घुमा कर देखेंगे तो आपको एक नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर दिखेगी। मानसर झील, मानसर ये जो इलाका है इसी झील के नाम से फेमस है, यहाँ देवी देवताओं का वास है और बताया जाता है कि ये झील जब यहाँ पर निकली थी तो अर्जुन जी ने यहाँ पर तीर चलाया था और इसका एक हिस्सा ये मानसर है और दूसरा हिस्सा है सुरुईसर लेक। तो यहाँ पर जो कुछ टूरिस्ट हैं मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा कि कितना अच्छा लगता है उनको ये मानसर टूरिस्ट स्पॉट, क्योंकि हर कोई यहाँ पर आना चाहता है, हर कोई मानसर झील के इस नज़ारे को देखना चाहता है। जी क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से, तो यहाँ पर आप मानसर इलाके में आज पहुँचे हैं तो मानसर की सुंदरता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगा है, आना चाहिए सबको। पहली बार आए? मैं फर्स्ट टाइम आई। फर्स्ट टाइम, हाँ जी। तो इसके साथ साथ जम्मू खित्ते की मैं बात कर रहा हूँ तो जम्मू खित्ते का ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, तो यहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी जो घूमने की प्रक्रिया की या फिर बाकी और भी इलाके आप घूम कर आए हैं? नहीं, एक्चुअल में ITBP से हैं हम लोग, तो अभी फर्स्ट यहाँ आए, वैष्णो देवी जाएंगे। अच्छा, इसके बाद वैष्णो देवी जाएंगे, फिर 2-3 स्पॉट और देखेंगे जो आसपास होंगे। इसके बारे में क्या अच्छा लगा आपको? बड़ा अच्छा लगा है, फर्स्ट टाइम आए, बहुत ही अच्छा लगा। डेवलपमेंट को लेकर बात करें तो क्या क्या आपको यहाँ पर कमियाँ पेश आ रही हैं आपको नजर आई होंगी या कोई वाकई में अभी
अच्छे अच्छा स्पॉट हो गया, अच्छा कर रखा है, अभी कमियां तो अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं, अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं जी। पूरी फैमिली के साथ आए हैं आप? जी फैमिली के साथ आए हैं। चलिए बिल्कुल, तो ये लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एक अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इसी लिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि कुछ लोगों से बात की जाए और उनसे जाना जाए। जी मैम आपका क्या नाम है? अंजलि कुमार। कहाँ से आए आप? पटना से। पटना से, तो यहाँ घूमने के लिए आए, वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे हैं? आ गए वहाँ से। अच्छा वापिस आ गए। हाँ। तो अब मानसर इस जगह पर आप पहुँचे, तो क्या लग रहा है मानसर कितना अच्छा एक फेमस अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, मैंने तो पहली बार देखा है इसको। अच्छा फर्स्ट टाइम आए यहाँ? तो क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिला है ज्यादा? ये है, झील है यहाँ, इतना अच्छा वादिया है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। आप दोबारा भी आना पसंद करेंगे? जरूर। पूरी फैमिली साथ आई है? या हमारी फैमिली है। अच्छा बिल्कुल, ये नेचुरल ब्यूटी है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये पूरा मैं जो व्यू आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पहाड़ आप देख सकते हैं कि हरे भरे पहाड़ हैं और बीच में ये जो मानसर झील का नज़ारा है, ये नज़ारा देखते ही बनता है। और कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट को लेकर भी बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट आने वाले दिनों में यहाँ पर और होगी। यहाँ पर कई नए फाउंटेन्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, नया डेक जहाँ पर तैयार हो रहा है, तो ये टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए टूरिस्ट के लिए ये सारा जो डेवलपमेंट प्लान रखा गया है। और उम्मीद है कि ये जो डेवलपमेंट प्लान है ये जल्द एग्जीक्यूट किया जाएगा और जो जो भी यहाँ पर कमियाँ हैं खामियाँ हैं वो पूरी होंगी और यहाँ पर टूरिस्टों की भरमार आने वाले दिनों में और हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। और हम कहीं ना कहीं गर्व से कहते हैं कि हमारे जम्मू खित्ते में इतने अच्छे टूरिस्ट स्पॉट हैं तो हम बाहर क्यों जाएं। मानसर की अगर बात कर लें, उसी के साथ साथ मानसर के एडजॉइनिंग जो सराउंडिंग इलाके हैं, माहौरगढ़ है, ढेरगढ़ है, बुपनेरगढ़ है, ये जो ऐतिहासिक हमारे किले हैं, हमारे धरोहरें हैं, उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मानसर झील एक ऐसा कुदरती नज़ारा है जो देखते ही बनता है। यहाँ पर मानसर देवता का वास है, यहाँ पर शेषनाग जी का मंदिर है, वो सारी हम आपको स्टोरीज भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मानसर झील का ये नज़ारा दिखाना आपके लिए बेहद ज़रूरी था ताकि आप लोग भी यहाँ पर अपने परिवार सहित आएँ और मानसर के इस प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा लें। उसी को लेकर हम यहाँ पर आज पहुँचे थे। तो कहीं ना कहीं हम आपसे ये अपील भी करेंगे कि अपने जम्मू खित्ते के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट करिए ताकि यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा देखने को मिले। जी भाजी की नाम थोड़ा? जगजीत सिंह सर। कितों आए तुसी? आरसपुरा सर। अच्छा आरसपुरा दी हो सर, चलो तुसी तो लोकल हो लेकिन मैं जानना चाहना कि मेरे ख्याल से मानसर का नज़ारा दिखते ही बनता है, एक नेचुरल ब्यूटी है। सही कह रहा सर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सर, मौसम भी बहुत बढ़िया था सर, मजा आता सर, घूम आते फैमिली सर, टूर शूर बहुत बढ़िया सर। अच्छा हाँ जी, पूरी फैमिली नाल आए हो? हाँ जी सर। फिर तो इसका मतलब तुसी आंदे रहंदे हो? नहीं नहीं सर, कदे 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 बड़ी लेट आए सर, बड़ा टाइम लगा है। अच्छा अच्छा लग गया था? बहुत बढ़िया सर, बढ़िया जी सर। मेरे ख्याल से लोग की बाहर जाते ना अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखते हैं, साढ़े जम्मू जी इन अच्छी डेस्टिनेशन है कि इतने आया जाए इन प्रमोट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सही कहा सर, प्रमोट करना चाहिए अपने, मतलब स्टेट जेड भी है सर, जिस मांडा जू वगैरह ये है इतने, जैसे कठुआ ड्रीम पार्क सारी जगह जाना चाहिए सर, उन्होंने तो लोकल लोकल लोग थोड़ा करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए कि सारे जाने पता लगता है बाहर शिमला तो ये बेटर जगह सर। बिल्कुल, देखो अपना ही एक फील आई करती है, एक एटमोसफेयर अच्छा है। हाँ जी सर, अपना इन्वायरमेंट भी अपना सर बढ़िया एरिया सर अपना, और की सर अपने लोग मज़ा आता सर, बोली जा भी सर, हर चीज़ का बहुत बढ़िया इतने, यानी सानू गर्व होना चाहिए कि साढ़े जम्मू खिते भी इन्ने अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट। सही गल है सर, थोड़ा सरकार को भी करना चाहिए कि थोड़ा प्रोत्साहन कर प्रमोशन करें सर, जिन्ना कि सारे लोगों को मतलब अट्रैक्ट होने लोग थोड़ा डेवलपमेंट करनी चाहिए हर चीज़ की सर। इस तरह एक डेवलपमेंट प्लान भी बने करता है मानसर का, दोबारा तो रिजुविनेशन प्लान बने करता है कि इतने ज़्यादा और चार चांद लगाए जाए और मानसर की खूबसूरती और बढ़ाया जाए, तो उम्मीद है कि जल्द प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। जी सर, सो होना भी चाहिए जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट की, सो जो लोग आन जल्दी अट्रैक्ट हो तो थोड़ी इतने इनकम बधे स्टेट की सर, अगे और फायदा है और डिवेलपमेंट हो सर, क्योंकि कितने कितने टूरिस्ट स्पॉट की अगर गल करिए तो इतने कई ऐसे दुकानदार ने छोटे छोटे दुकानदार जो टूरिस्ट के उपर ही डिपेंड करते हैं, अगर इन प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके जल्दी कंप्लीट किया जाए तो उन्होंने दुकानदारों भी लोकल लोगों को भी फायदा होगा सर, सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, इंप्लॉयमेंट भी मिलेगा, इंप्लॉयमेंट मिले सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा सर, बहुत बहुत बढ़िया होगा सर, इतने जो अगे भी सुनी सर लेगा सर, उन्होंने भी थोड़ा मतलब डिवेलपमेंट करना चाहिए कि चलो बाहरों आते लोग अपने भी थोड़ा मतलब करना चाहिए कि इतने आन तो बढ़िया रहे सर। बिल्कुल बड़ी अच्छी गल की तुम, मेरे नाल कुछ और भी हैं इन्हें शायद फैमिली मैंबर उन्होंने भी गल करा की ना तो मेरा नाम वरिंदर, तुम भी आरसपुरा दे? हाँ जी बिल्कुल आरसपुरा। की आखना चाहते हो स्पॉट के बारे? स्पॉट बढ़िया बढ़िया स्पॉट है, नेचुरल ब्यूटी देखने को मिल रही थी सू,
बस यार कि बोटिंग करते लोग इतने फैमिली नाल पिकनिक मना सकते हैं। यानी तुस भी यही आखना चाहते हो कि अपने लोकल टूरिस्ट स्पॉट उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया जाए? बिल्कुल सर, अपने लोकल टूरिस्ट स्पॉट ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए, मिलनी चाहिए है, बाहर जाने का लौटना पे सू, इन अच्छी ब्यूटी है साढ़े जम्मू से, इन्होंने सू प्रमोट करना चाहिए, क्यों बाहर जाए शिमला मनाली की रखे उत्थे, इतने करो सब, और भी दो चार जगह है उत्थे प्रमोट करना चाहिए सू, प्रमोट करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, अपने टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है लोकल उन्हें प्रमोट करना चाहिए, ताकि यहाँ का जो अगर सोर्स ऑफ इनकम लोगों का बताएं, जो यहाँ पर लोग टूरिस्ट पर ही निर्भर रहते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा तादाद में आते हैं, संडे की अगर बात करें, सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे संडे जो वीकेंड्स आपके होते हैं, तो उन दिनों में यहाँ पर जो टूरिस्टों की यहाँ पर तादाद होती है, तो कहीं ना कहीं उन टूरिस्टों के ऊपर ही यहाँ के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो डिपेंड रहते हैं, उनका भी एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। यहाँ छोटे छोटे कई ऐसे दुकानदार हैं जो इसी टूरिस्ट स्पॉट पर रह के मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, अपने घर को चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ख़ासतौर पर जिस तरह से हम यहाँ मानसर के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो मानसर इलाका अब जिस तरह से ये डेवलपमेंटल प्लान बनाया गया है, उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये जल्द कंप्लीट होगा, 200 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर फाउंटेन्स लगाए जाएंगे, ये सारे के सारे जो आप लकड़ी के डेक देख रहे हैं ये हटा दिए जाएंगे, और यहाँ नए प्लास्टिक के डेक्स बना दिए जाएंगे, ताकि यहाँ जो सौंदर्य है इसका, झील का, वो और इसका नज़ारा आप ले पाएँ। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है कि जल्द से जल्द उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए, ताकि यहाँ का जो लोकल जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको रोज़गार के साधन मिल पाएँ, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट हो पाए और उनका अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन पाए। इसी के उपलक्ष्य पर मैं आपको ये पूरा बता रहा हूँ मानसर के बारे में, ताकि यहाँ अगर ये प्रोजेक्ट जल्द कंप्लीट होता है तो कितने लोगों को यहाँ पर रोजी रोटी भी लगेगी, इसी उद्देश्य से मैं आपको ये पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ लोग वोटिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, ये नज़ारा मानसर का देखते ही बनता है। लेकिन अभी भी जिस तरह से मैं टूरिस्ट से बात कर रहा था, लोग बाहर जाते हैं शिमला हिमाचल, तो हमें लगता है कि हमें अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। जम्मू खित्ते में इतने अच्छी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं कि अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमें खुद ही एक फ़ख्र होता है, गर्व होता है कि हम अपने ही इलाके में इतनी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो वो देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। हरिनिवास पैलेस ले लीजिए आप, मानसर झील हो गई, सुरुईसर लेक हो गई, माँ वैष्णो देवी का दरबार हो गया, वहाँ माथा टेकने आते हैं लोग, बाहरी राज्यों से लोग आते हैं, दूर दूर के तक के लोग यहाँ पर आते हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे जम्मू खित्ते में इतनी अच्छी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं और हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन यहाँ पर प्रशासन को भी चाहिए, खासतौर पर जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, तो उन्हें भी चाहिए कि यहाँ पर इन टूरिस्ट स्पॉट्स पर ज़्यादा डेवलपमेंट करें, ताकि टूरिस्ट यहाँ पर और अट्रैक्ट हो और यहाँ पर भारी तादाद में टूरिस्ट आए, यहाँ इन टूरिस्ट स्पॉट्स को प्रमोट करें और बाहर जितने भी बाहरी राज्य हैं वहाँ तक ये मैसेज आए कि जम्मू खित्ते में भी इतने अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। यही हम दिखाने के लिए आए थे कि हमारे लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स भी किसी से कम नहीं है और उस लिस्ट में शुमार होते हैं। अगर बाहरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बराबर में आते हैं, इसलिए हमें अपने लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो ये है नज़ारा मानसर झील का जो आज आप जेके मीडिया पर लाइव देख रहे हैं, और खूबसूरत नज़ारा है, हसीन वादियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हरियाली आपको दिख रही है, पहाड़ आपको हरे भरे दिख रहे हैं, और दूर दूर तक अगर नज़र घुमाकर देखेंगे तो लोकल लोगों के यहाँ पर घर भी आपको दिखेंगे, दूर आप देख सकते हैं कि शेषनाग जी का मंदिर भी आपको दिखेगा। तो यही एक मेरा आने का मकसद था कि आपको मानसर झील के बारे में आज बताया जाए, मानसर देवता जी के बारे में आपको बताया जाए, यहाँ पर मानसर देवता का वास है, यहाँ पर शेषनाग जी का वास है और वो साक्षात वो झील में वास करते हैं, जो इतिहास में लिखा हुआ है। भगवान अर्जुन ने यहाँ पर तीर चलाया था और वो तीर यहाँ पर जब आता है, एक झील ये निकलती है मानसर और दूसरी निकलती है सुरुईसर लेक। तो हमें गर्व होना चाहिए जम्मू खित्ते के लोगों को कि जम्मू खित्ते में भी इतनी अच्छी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, हम अपने इन टूरिस्ट स्पॉट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, और प्रशासन को भी चाहिए कि वो इन टूरिस्ट स्पॉट्स पर ज़्यादा तवज्जो दें, ज़्यादा यहाँ पर विकास करें, ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आने वाले दिनों में और ज़्यादा आएँ और ज़्यादा यहाँ पर चार चांद लगे मानसर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।